बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बहाने भाजपा पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि दलितों का वोट बांटकर फायदा हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भीम आर्मी प्रमुख को वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा रही है। यह संगठन भाजपा ने षड्यंत्र के तहत बनवाया है। इसके आड़ में भी भाजपा अपनी दलित विरोधी मानसिकता वाली घिनौनी राजनीति कर रही है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुप्तचरी करने के लिए पहले चंद्रशेखर को बहुजन समाज पार्टी में भेजने का प्रयास किया, लेकिन उनका ये षड्यंत्र विफल रहा। अहंकारी, निरंकुश व घोर जातिवादी व सांप्रदायिक भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, इसे किसी भी हाल में बर्बाद न होने दे। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि दलितों का वोट बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा रही है। ये संगठन बीजेपी ने ही षड्यंत्र के तहत बनवाया है और इसके आड़ में भी अपनी दलित विरोधी मानसिकता वाली घिनौनी राजनीति कर रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी जी को हरा कर गुजरात भेजना। चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी में रोड शो भी किया और अपनी जीत की दावेदारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी लेंगे, क्योंकि मई के महीने में वो किसी हाल में कोई भी चीज हारते नहीं है।